बस आप हूरिया से कोई काम मत कहिएगा, उसे आराम करने दें। आपको जो काम हो ना आप मुझे कह देना, जो दिल में है कह देना, मैं सुन लूंगा। हूरिया से नहीं अम्मी, मैं चाहता हूं कि सास और बहू के दरमियाना ये एहतराम और लिहाज का रिश्ता रहना चाहिए। हाय हाय, आज से पहले तो तूने ऐसी तकरीरें ना की, बीवी के आते ही बदल गया तू। नहीं, बदला नहीं हूं मैं, इस घर का वाहिद मर्द हूं मैं। माँ और बीवी में तवाजुन रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, हमें इस घर में खुशी आने वाली है, बस मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें, और कोई बात नहीं है। और हूरिया, उसका भी तो ये घर है ना, लाजिम थोड़ी है वो यहाँ पे। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, बताना जरूरी भी तो है, बस मैं चाहता हूं कि हम सब खुश रहें यहां पे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हूरिया, हूरिया की तकलीफ मेरी तकलीफ है अम्मी, हूरिया की खुशी मेरी खुशी है। मैं आपका बेटा होने के साथ साथ हूरिया का शौहर भी तो हूं ना, और अब तो बाप भी बनने वाला हूं। अम्मी, माएं भी तो अपनी बेटियों के सारे नखरे उठाती हैं, तो सास क्यों नहीं उठा सकती। अम्मी, आप महसूस तो करें इस खुशी को, दादी बनने वाली हैं आप, दादी प्लीज। तनी आनी कहाँ रह गई है? फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। बिजी होंगी, स्कूल में फंक्शन था। हाँ तो अगर देर हो रही थी तो फोन करके बता देती। 100 काम होते हैं, अच्छा है कि वो मसरूफ रहती हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत, हमारे साथ तो बिल्कुल वक्त नहीं गुजारती। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जैसे क्या अम्मा? कुछ नहीं। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? एनी आपा इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं तो जाहिर उनकी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, और वो तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, ऐश है भाई उनके। बहराम नहीं आया ना अभी तक, ये भी रोजाना देर से घर आने लगा है। सारा दिन इतनी खामोशी होती है घर में, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में घूमे, जैसे वहशत होने लगी है इस खामोशी से। अम्मा वो हूरिया होती थी ना पहले, इतना बोलती थी, अब वो रौनक खत्म हो गई है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। लेकिन हूरिया इधर ही तो रहती है, आ जाएगी वो कुछ दिन में। मुझे हूरिया की फिक्र नहीं है, मुझे एनी की फिक्र है। अम्मा बिला वजह परेशान हो रही है। बाजी खाना लेना, उधर ही रख दो।
और कोई काम हो तो बता दें। कुछ होगा काम तो बता दूंगी।